आते हो? कहिए। हम मिस्टर हरीश से मिलने हैं, केटरर से लेके डेकोरेटर तक सबके पेमेंट बाकी है, बस वही हिसाब करना है। Let me see. केटरर 28 लाख, डेकोरेटर 15 लाख और हॉस्पिटैलिटी 22 लाख। जीजू आप तो 10 रुपए भी नहीं निकाल सकते, लाखों कैसे चुकाएंगे? देखिए आप दोनों, आई अंडरस्टैंड बट डोंट वरी, भले ही जीजू बैंकरप्ट हो गए लेकिन कुछ ना कुछ करके वो आपके पैसे चुका ही देंगे। देखिए नीरज, आप लोग घबराइए नहीं, मुझे थोड़ा समय दीजिए, आप लोगों की पाई पाई चुकता कर दी जाएगी। लेकिन सर शादी को काफी दिन हो गए, अब हम और कितना इंतजार करेंगे? मुझ पर भरोसा रखिए नीरज भाई, थोड़ा समय दे दीजिए। आप लोगों के पैसे लेकर मैं कहां जाऊंगा? आप एक काम कीजिए, कल आप मेरे ऑफिस आ जाइए, तब तक मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। प्लीज आप लोग मुझे एक दिन की मोहलत तो दे ही सकते हैं। ठीक है, आप कल तक कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लीजिए, वरना हमें आप पे केस करना पड़ेगा। नीलिमा भाभी ने बहुत गलत किया, जीजा का ना सही, कम से कम जेठ का तो लिहाज करना चाहिए था। क्या हालत हो गई है भैया की, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना हम भैया की मदद करें। मेरे अकाउंट में भी कुछ 8-10 लाख पड़े हैं, मैं निकाल लूंगी वो। हर्षा, एक बहन की बेचैनी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कमी के वक्त में छोटी छोटी बातें भी स्वाभिमान को चुभ जाती हैं। और हरीश भैया को तुम उससे ज्यादा जानती हो, क्या वो अपनी बहन से पैसे लेंगे? और अभी अगर हम उनकी मदद कर भी दें तो क्या उनकी हमेशा की दिक्कत दूर हो जाएगी? अच्छा, इस वक्त बेहतर यही है कि हम उनके साथ खड़े रहकर उन्हें हिम्मत दें, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। सॉरी हर्षा, पर ये तो बदलाव की शुरुआत है, अब भैया की कंगाली हमारी रईसी की सीढ़ी बनेगी।